कल हम आपको पढ़ा रहे थे रस। सबसे पहले बताया गया रस किसे कहते हैं, उसके बाद ये बताए कि रस के चार अंग होते हैं। वो चार अंग ये सबसे पहले आपको बताए होंगे कि अस्थाई भाव होता है, अस्थाई भाव के बाद विभाव, और विभाव के बाद अनुभाव, और अनुभव के बाद संचारी भाव, और इन्हीं चारों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। अस्थाई भाव के आधार पर रसों की संख्या 11 निर्धारित की गई है, जिसमें सबसे पहले आज हम आपको पढ़ाएंगे श्रृंगार रस। अब प्रश्न उठता है कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं। जहां प्रेमी और प्रेमिका के मन में स्थित अस्थाई भाव रति या प्रेम से उत्पन्न आनंद को श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। उसी का दूसरा नाम है विप्रलंब श्रृंगार। तो इस तरीके से श्रृंगार रस के दो भेद हुए, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अब हम देखेंगे संयोग श्रृंगार किसको कहते हैं। जहां पर प्रेमी और प्रेमिका की संयोग दशा प्रेम का मधुर वार्तालाप दर्शन स्पर्श अर्थात जहां प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, वहां पर जो होता है संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए जैसे उदाहरण दिया है कर्मचरी की आरसी प्रतिबिंबत के उपाय पीठ दिए धरक लग है एक तक दीप लगाए। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि प्रेमिका जो है अपने हाथ की अंगूठी में जो नख जड़ा हुआ शीशा लगा हुआ है उसमें अपने प्रेमी की परछाई को देख करके और पीठ की तरफ से पीछे सामने ऐसे देख रही है और वो कुछ भी नहीं देख रही है, केवल अपने प्रेमी को देख रही है। इसका स्पष्टीकरण है जैसे बताया कि इसमें चार अंग होते हैं अस्थाई भाव। तो इस उदाहरण में अस्थाई भाव क्या है, अस्थाई भाव है रक्त या प्रेम, नायक नायिका का प्रेम होता है। और उसके बाद दूसरा अंग होता है विभाव। विभाव के दो भेद हैं आलंबन और उद्दीपन। आलंबन में है प्रेतम या नायक और उद्दीपन में है प्रियतम का प्रतिबिंब, ये उद्दीपन हो गया। और उसके बाद अनुभव, अनुभव में है एकटक से प्रतिबिंब को देखना, अपने प्रेमी की परछाई को एकटक देखना। और संचारी भाव है इसका हर्ष भी है और जड़ता माने गंभीरता जैसे उसको देखना और औत्सुकता माने उत्सुकता भी है। आज जो है ये संचारी भाव है। स्पष्टीकरण हो गया अस्थाई भाव हो गया रति, विभाव में आलंबन हो गया प्रीतम या नायक, उद्दीपन में हो गया प्रीतम का प्रतिबिंब, अनुभव में हो गया तक से प्रतिबिंब को देखना, और संचारी भाव में हो गया हर्ष जड़ता और सुखता आदि। इस तरीके से ये स्पष्ट होता है कि इस उदाहरण में जो है संयोग श्रृंगार है। उसके बाद दूसरा उसका भेद है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार माने जहां पर एक दूसरे से नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका का बिछुड़ जाए, वहां पर वियोग दशा का प्रारंभ होता है। तो इसको इस तरीके से स्पष्टीकरण लिखेंगे, जहां एक दूसरे को प्रेम करने वाले नायक और नायिका के वियोग या बिछुड़ने का प्रारंभ हो वहां वियोग श्रृंगार होता है। इसी का दूसरा नाम है विप्रलंब श्रृंगार। उदाहरण है रे मन आज रक्षा तेरी सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निशेष पावे उद्धारक चाहे तो पावे यही रहे यह चेरी। ये उदाहरण यशोधरा जो है अपने प्रीतम के चले जाने पर गीत के रूप में प्रस्तुत करती है, कहती है अपने मन को समझाती है, कहती है ए मन आज ये तेरी परीक्षा है और सभी लोग अपना अपना सौभाग्य मना रहे हैं।
मेरा उद्धार करना चाहता है तो वो मेरे पास आवे। अब इसका स्पष्टीकरण आपको बताएंगे। स्पष्टीकरण में सबसे पहले अस्थाई भाव, अस्थाई भाव में क्या है, रति है, प्रेम है। यशोदा अपने पति से प्रेम करती है और विभाव है, विभाव रमान के दो भेद होते हैं, एक होता है आलम्बन, आलम्बन में कौन है यशोधरा, और आश्रय क्या है उसका मन है। और इसी तरीके उद्दीपन है, उद्दीपन में गौतम, गौतम के प्रति भाव की कुछ आगे दो आवे, ये हो गया उद्दीपन। और तीसरा अंग इसका हो गया अनुभाव, अनुभाव में मन को समझाना और उद्बोधन करना, यशोधा अपने मन को समझा रही है और उद्बोधन कर रही है। और चौथा अंग इसका है संचारी भाव, संचारी भाव क्या है, गीत है और उसमें तर्क वितर्क हो रहा है, अमर सिंह है। इस तरीके से इस उदाहरण में जो है प्रलंब श्रृंगार है या विरूप श्रृंगार है, आज आपको यही तक बताएंगे केवल श्रृंगार रस के भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। अगले दिन आपको पढ़ाएंगे दूसरा।